भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से नाजनी कुशवाहा को टिकट दिया है। नाजनी कुशवाहा को लगातार पांचवीं बार टिकट मिला है। 2003, 2008 और 2013 में दक्षिण सीट से नाजनी कुशवाहा एमएलए रह चुके हैं और 2018 में कांग्रेस के पिंड पटक से मात्र 121 वोट से हारे थे। इस बार भी कांग्रेस के एमएलए पिंड पटक से ही उनका मुकाबला होगा। कुशवाहा बोले कि इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इस बार ग्वालियर दक्षिण से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी भी नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता की उनसे बातचीत। आप पर भरोसा जताया, किस तरह की क्या उम्मीद है और कितना है? वो तो मैं भी अपनी बात और भी है। अच्छा जी भाई, जब किस तरह की उम्मीदें हैं? तीसरी बार लगातार पांचवी बार आप यहाँ मैदान में। अब पार्टी प्रशन नेतृत्व में ये बहुत से समीकरण बहुत सी बातें रहती है, जिम्मेदारी देने के अनुरूप मुझे आज भी ये जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते रहे और हम निभाएंगे। किसी तरह की कोई गुटबाजी की आशंका, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ त्रिकोण संघ नहीं, इस बार कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई नहीं है। अनूप जी ने टिकट की कोई नहीं है। अनूप जी पार्टी के प्रशन नेता है, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाते, वो जो है वो पार्टी के हित में सारे काम करते रहे हैं। पार्टी के लिए ही पूरा जी जान से पूरे संभाग में पार्टी को प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजेंगे।